हेलो माय यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम काफ़ी लेट हो गए, तो देखा जाए तो आज चलता हूँ मैं भी अपनी गाड़ी में। अभी तक झंडा लगवाया नहीं है, तो अभी चल रहा हूँ मैं, झंडा लगवाऊँगा और उसके बाद थोड़ा सिटी उटी घूमेंगे, थोड़ा बाहर हल्का फुल्का जाएंगे और घूमेंगे और थोड़ा घूमने का। हालाँकि घूमने का मन नहीं था, क्योंकि यार तो कुछ जानते ही, आप सभी लोग जानते हो कि आज 26 जनवरी है, तो आज ही के दिन हमारा तब संविधान लागू हुआ था। तो हर चीज़, लेकिन यहाँ पे लोग क्या है कि थोड़ा घूमना, छुट्टी के दिन मतलब घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। गांव में तो उतना नहीं, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सिटी एरिया है, तो फिर कॉमन सी बात है कि लोग घूमने उमने जाते हैं इधर उधर। खैर, हम लोग को तो उतना पसंद नहीं है घूमने फिरने जाना, बट हाँ फिर भी थोड़ा सोचा कि ब्लॉग बना लेता, तो इसीलिए मैं भी चल रहा हूँ। अभी तक सामने झंडे वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, तो अभी चल रहा हूँ वहीं पर, गाड़ी खड़ा करता हूँ और लगवाते हैं आज, और उसके बाद फिर चलेंगे। ओ भाई, पहले ये बात फिक्स कर लो कितना देना पड़ेगा उबड़ो। सर अब दे देना, जो भी देना दिल से देना है तो मैं भी रख लूँगा, तो दूंगा सर, बहुत कम हो गया। अरे कम नहीं हुआ, ठीक है। तो फाइनली हम लोग झंडा उंडा लगवा के चले। अभी हमारे साथ विपिन भैया, तो उनको छोड़ेंगे यहाँ पे, मतलब उनकी कंपनी का मैच हो रहा है, तो वो जाएंगे मैच देखने। तो उनको छोड़ के बस हम लोग यहाँ से रिटर्न निकल जाएंगे, थोड़ा सिटी उटी घूमेंगे और सिटी उटी घूम के फिर अपने घर पे, और यहाँ से हम निकलते हैं। काफ़ी टाइम वैसे भी, अब आज मैं लेट हो गया। सुबह सोचा था कि जाने के लिए हाईवे साइड पे, क्योंकि ज़्यादा मज़ा आता हाईवे पे, आज पूरी क्राउड रहती एकदम दबा के। सुबह जाता तो अच्छी अच्छी सुपर बाइक वगैरह देखने को मिलती, बट क्या है कि मैं खुद आज लेट उठा, क्योंकि कंपनी से काफ़ी डे करके एकदम थक गया हूँ। तो अभी 2 दिन का छुट्टी है, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, कल भी मेरा ब्लॉग आएगा। मतलब कि अभी क्या है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, क्योंकि तो अब मेरा नाइट शिफ्ट हो जाएगा, शनिवार से मैं नाइट शिफ्ट में जाऊँगा, तो डे में टाइम मिलता है कि ब्लॉग वगैरह बनने के लिए। जब डे ड्यूटी हो जाती है तो टाइम नहीं मिलता है, तो बाद में कैसे भी टाइम एडजस्ट करके थोड़ा मोड़ा वीडियो बनाता है या शॉर्ट वीडियो वगैरह डालता हूँ तब तक के लिए। खैर कोई बात नहीं, वैसे तिरंगा लहरते हुए काफ़ी प्यारा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। ज़्यादा फास्ट चलाऊंगा नहीं, तो अभी मान लीजिए गिरने उड़ने का डर रहेगा। तिरंगा जानते हो, हिंदुस्तान वासियों के लिए सबसे प्यारा चीज़ है, तो इसे धूल मिट्टी में गिरे उससे अच्छा है कि गिरे ही चले, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा घूमना है, इंजॉय करेंगे, और क्या ज़रूरत है मतलब गिर जाए, अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि हमारे देश किसान है, नीचे गिरते हुए अच्छा भी नहीं रहेगा। यहाँ तक एक छोटा बच्चा भी अगर नीचे गिरा रहता है तो वो भी उठा लेता है, तो हम लोग तो बड़े हैं तो इसको कैसे गिरने देंगे, इसलिए आराम आराम से ही चलेंगे। तो देखिए ये सब टीम्स वगैरह जा रही हैं क्रिकेट आज, मतलब कि वहाँ पे क्रिकेट काफ़ी ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे है कंपनी फेमस है डीडी को, उसी का मतलब मैच वहाँ चलता है ग्राउंड में। आज डीडी कोर के सारे प्लांट, जितने भी प्लांट हैं सबके मेंबर्स खेल रहे हैं, उनका टीम है अपना अपना, हर प्लांट से एक दो टीम है। तो उसके बाद लास्ट में जो प्लांट जीतेगा उसके पास कप जाएगा, तो यही पता कि वहाँ पे मैं भी सोचता जाने के लिए, बट कर कोई बात नहीं। तो अभी थोड़ा निकलते हैं इधर, इधर का नज़ारा मतलब काफ़ी मज़ा आता है घूमने फिरने में, देखने में भी ज़बरदस्त लगता है। थोड़ा हल्का गांव साइड का एरिया टाइप का लगता है, बट मज़ा आता है कि गांव वाली फीलिंग आती है इधर। कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी, हम लोग तो वैसे भी गांव से हैं। तो आज मतलब एक और चीज़ है, सरस्वती पूजा, तो यहाँ महाराष्ट्र में तो उतना धूमधाम से मनाते नहीं हैं, बट हमारे गांव में धूमधाम से मनाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ से वीडियो मंगवाऊँ, और मैं वीडियो बनवा के अपने चैनल पर जरूर डालूँगा, बोलूँगा अपने भाई को भी वीडियो बना के भेजिए मेरे लिए और डालें। वाह,
यहाँ से मतलब कि नज़ारा कुछ अलग दिखता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि तिरंगा लहर है तो कभी कभी हेलमेट भी है आ जा रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ चला नहीं पा रहा हूँ। तो ज़्यादा ऐसे भी चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आराम से चलो, कोई दिक्कत है ही नहीं, मज़ा आता है चलाने। धीरे धीरे ही चारों तरफ नज़ारा दिखते चलिए आराम से, टहलते फिरते, सॉरी टहलते फिरते बोल दिया, मतलब कि धीरे धीरे ड्राइव करते हुए, कोई बात नहीं। हर चीज़ के एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, गाड़ी सेफ चलाइए, आप सुरक्षित रहिए और अपने परिवार के साथ में रहिए, क्योंकि सेफ ड्राइव कीजिएगा तो अच्छा है। खैर सेफ ड्राइव करने में मज़ा ही तो आता है, लेकिन लोग सोचते हैं फर्स्ट ड्राइविंग करने के बाद फर्स्ट ड्राइविंग मत कीजिए, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर इंजॉय तो हर लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते हैं, तो इंजॉय ज़रूरी भी है। तो ये सब की है जो आप लोग ध्यान में रखिए और एकदम ड्राइव सेफ रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से चलिए, 5-10 मिनट लेट चलिएगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम अपने घर की तरफ रिटर्न जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है घूमते घूमते। तो अभी मतलब कि जो बात है, अभी मैं खुद काफ़ी दिन के बाद मतलब कि ब्लॉगर बना रहा हूँ तो एक्साइटिंग चल रहा है, तब मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं, जो छोटी मोटी गलती है उसे माफ़ कीजिएगा और हमेशा की तरह वीडियो पर प्यार व्यार बना कर रखिएगा ताकि आपका भाई आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट वगैरह लाता रहे। आप लोगों का प्यार ही हमारी सफलता की पूंजी है, तो अपना प्यार दिखाते रहिए, हमारी तरफ से पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाते रहें ताकि आप लोग को भी पसंद आएगा। और मैं कभी लंबे राइड पे ज़्यादातर जाता नहीं, बट लंबे राइड पे मैं तब जाऊँगा जब मैं गाँव जाऊँगा, उस टाइम मेरा लंबा राइड होगा मुंबई टू बिहार, काफ़ी मज़ा आएगा, नॉन स्टॉप स्लो ड्राइव, देखते हैं कितना टाइम में पहुँचेंगे। क्योंकि तो लॉकडाउन के बाद तो मैं गया था उस समय 30 घंटे हुआ ही गया अपनी बाइक से, एक्सीडेंट से, रोड वगैरह काफ़ी खुले खुले थे उसमें, तो कोई आदमी दिखता ही नहीं था, बट तो भी 30 घंटे में पहुँच गया था। पर देखते हैं अभी सोलो ड्राइव है, तो सोलो ड्राइव में प्रोग्राम ऐसे बन रहा है, प्रोग्राम जैसे मेरा फिक्स हो जाएगा तो हम जाएंगे बिहार बाइक से, उसके बाद फिर मतलब कि लंबे लंबे ड्राइव करेंगे, लंबे लंबे टूर करेंगे, फिर कश्मीर जाएंगे, लेह लद्दाख जाएंगे, दिल्ली वगैरह जाएंगे, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे जगह पर जाएंगे, लंबे लंबे जगह पर, लंबे लंबे राइड पर। तो इसी तरह आप लोग दुआ प्यार बनाए रखिए हमेशा ताकि आपका भाई जल्द से जल्द आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाए, अच्छे अच्छे चीज़ दिखाए, अच्छी अच्छी जगह दिखाएँ। तो प्यार बनाना बहुत जरूरी है। ओ अरे कोई भाई बिल्कुल ड्रिंक एंड ड्राइव मत करना, कोई गलत बात है, ये सब जरूरी नहीं है। फाइनली हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं, तो हमने बस ज़्यादा लंबा राइड तो किया नहीं, बट हाँ फिर भी गए, एंजॉय भी किया अच्छा खासा और काफ़ी मज़ा भी आया। तो इसी तरह आप लोग दुआ प्यार बनाए रखिए और हमेशा प्यार देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम लोग कभी और वीडियो बनाने की इच्छा हो और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाए। और अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।